सो गाइज़, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाती है कि मम्मी को कितना काम है और ऐसी हेलो माय बेटी यूट्यूब भगवान फैमिली, सबको कैसे दे। हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ, तो मेरे इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। और आज है बच्चों की छुट्टी, ओमी जी ऑफिस जाएंगे, तो चलिए उनके लिए कुछ रेडी कर देते हैं ब्रेकफास्ट और अपना रोज रूटीन उसी काम में लग जाते हैं जो रहता है अपना। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं पहले, फिर पूरा अच्छे से क्लीन करूंगी और बच्चे लेट उठेंगे तो लेट ही काम होगा, लेट ही खाना बनेगा, पूरा दिन ऐसी जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, अपना काम करते हैं जो भी है। सो गाइज, आज है अक्षय तृतीया, तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं माई यूट्यूब फैमिली। आप सभी पर भगवान की कृपया बनी रहे और आपकी जो मनोकामना सभी पूरी हो, भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी कामना पूरी करें। तो चलिए चलते हैं और अपने काम में लगते हैं। ये देखो, ये दोनों कर रहे हैं नाश्ता। सो गाइस, आज है बच्चों की छुट्टी और आयुष आ रहा है बाल कटिंग कराने, तो कह रहा है मम्मी मुझे है ना ट्यूशन जाना है, फिर मेरे लिए सैंडविच सेक दो। तो चलिए मैं उसके लिए सैंडविच बना देती हूँ। ये है रात वाली सब्जी, किसी ने खाई नहीं, बारात को बन गई, बस एक आधी रोटी खाई किसी ने, सब्जी सारी बच गई, खाई नहीं, ना मैंने खाया खाना और ना ही उन्होंने खाया। ये देखो पापे खा रहा है, अब ट्यूशन जाएगा पहले बाल कटिंग कराने। गुन्नू पोछा लगा रही है, देखो आज छुट्टी है तो देखो, मैं कह रही हूँ बैठ के लगा ले, थोड़ा फैट कम हो जाएगा। सो गाइज, मेरी बेटी बहुत हेल्प करती है मेरी, मुझे कहना नहीं चाहिए कि नज़र लग जाती है माँ की, मगर मेरी बेटी को मेरी भी उम्र लग जाए। और सो गाइज, सच में बहुत हेल्प करती है मेरी। सो गाइज, ऐसा नहीं है, काम में ही हेल्प करती है, मेरी सारी बातों को समझती है। मेरा नाश्ता आप भी कर लीजिए, मैंने लिए हैं दो पापे, ये आधा सैंडविच क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। तो चलिए, और ये मेरे लिए बिस्किट भी खोल रही है। चलो अपना नाश्ता करते हैं। ये देखिए गुन्नू कर रही है कान्हा जी की पूजा इधर, ये देखो ये सारी रैक कान्हा जी की है, सारा सामान कान्हा जी का है, मैं हमारा कोई नहीं है इस पे, हर पूरा मंदिर यही कान्हा जी का है, पूरा घर ही उन्हीं का है, मगर ये रैक उन्हीं की, कपड़ों की, सब पूरा मेकअप का सामान सब कुछ सब इसमें ही रहता है। सो गाइस, कान्हा जी को रेडी करने देते हैं, अभी कान्हा जी अपना श्रृंगार करा रहे हैं, तो चलिए ये कान्हा जी का सुबह का भोग है। और इधर मैंने अपना ये देखिए बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिए, और ये कपड़े मैंने धोए हुए हैं, ये मैंने बाहर से उतारे हुए हैं, आधे कपड़े ये देखो बाहर सुखा दिए, यहाँ पर आ नहीं रहते पूरे, ऊपर तो बहुत तेज होता है, पीछे सूख जाते हैं क्योंकि नीचे एसी है, तो पूरा उसका गर्मी से ही पूरा हीट से सूख जाते हैं। और इधर ये कपड़े मुझे तय करके रखने हैं जो कि ये सूख गए थे, ये मैंने वहाँ से उतारे हैं इधर, और ये अभी गीले वाले जो कि धोए हैं, ये भी गीले हैं, वहाँ पर जगह नहीं है तो ये बाद में डालूंगी और इनकी तय बनाते हैं। चलो, और इस पर बेडशीट अभी मुझे बिछानी है, पूरे बेड का ये हाल है। तो नीचे निकल गए ऑफिस के लिए, और आयुष जाएगा ट्यूशन, तो मैंने उसके लिए भी बना के उसको खिला दिया है, मैंने सैंडविच बनाए थे, अब देखते हैं दोपहर को क्या बनेगा। ये देखो कान्हा जी हो गए रेडी, कान्हा जी ये देखो, लगाओ मुकुट लगाओ जी। की तरफ से आप सभी को भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राधे राधे। बहुत देर हो गई है, आज तो सब कुछ लेट लेट हो गया, पहले मैं इनकी तय करती हूँ कपड़ों की, फिर मैं आपसे बात करूँगी, वो वाले कपड़े जब सूखेंगे तो फिर वही यहाँ से तब खाली होगा ये पूरा, तो मैं यहाँ पर बेडशीट तभी बिछाऊंगी पूरा सामान हटा के। और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, और गुन्नू मैम अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, पूछती भी नहीं है गाइस से, हैं ये हमारे है ना फ्रेंड फॉलो वाले से देख रहे हैं तुम्हें, चलो बोलो ब्रेकफास्ट कर लो, बोलो इसके मुँह से छूटेगा नहीं क्योंकि है ना मोटी है ना, इसीलिए नहीं, मेरी बेटी है ना गोलो मोलो है, बचपन से ही ऐसी है, मैंने ऐसी बेटी मांगी थी भगवान से सच में कि मुझे गोलो मोलो ही चाहिए, मेरी गोलो मोलो है। मैं शादी होने के बाद मैं मोटी हो गई, आप मुझे पहचान भी नहीं सकते, जब मैं पतली थी इतनी, मतलब बिल्कुल
सीख जैसी थी। और देखो कितनी स्वेटिंग हो रही, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा। और एसी तो हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं, बिल कौन भरेगा इसीलिए हम एसी नहीं चलाते। अपना फैन देखो, फैन ही चल रहा है हमारा। तो चलिए सो गाइस, मेरा काम सारा हो चुका है, गुन्नू मैम सबसे लेट हो गई है, तो उन्होंने अपना पूजा वगैरह करके अब अपना ब्रेकफास्ट कर लिए। चलिए रूम की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि मैंने सारा अपना काम कर लिया है। और मेरे कपड़े भी सारे जो यहाँ पर थे मैंने सुखा दिए हैं पूरा। और पूरा अपना बेड ये देखिए पूरा अच्छे से डस्टिंग कर लिया अपना, ये देखो बेडशीट भी चेंज कर दी। तो इस रूम में तो ज़्यादा सोते नहीं हैं, बाहर ही सोते हैं सब, क्योंकि गर्मी है यहाँ पर। तो बाहर कूलर लगा के अपना फ़ैन, तो बाहर अच्छे से ठंडा रहता है, तो इसमें तो बहुत गर्म रहता है यहाँ पर, क्योंकि पीछे एसी चलता है इधर। तो इसीलिए नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर पर उनका एसी चलता है, तो उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती है पीछे, तो ये रूम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और मैंने कपड़े जो यहाँ पर थे सारे पीछे डाल दिए हैं, वो एक के ऊपर एक सब सूख जाएंगे। तो चलिए, और इधर ये हाल है। और मेरे कान्हा जी से तो आप मिल लिए, देखो ये देखो कान्हा कान्हा देखो स्माइल कर रहे हैं। गुन्नू व्लॉग देख रही है अपना, देखो अपना ही व्लॉग देख रही है, रिजल्ट वाला है। गुन्नू कितनी खुश हो रही है, जब टेंट का रिजल्ट आया था गुन्नू का। तो चलिए अभी आयुष ट्यूशन गया है, तो ट्यूशन से आएगा तब उसके लिए कुछ बनाऊंगी। अभी तो सभी ने अपना, मैंने गुन्नू के लिए सैंडविच सेक दिए थे। और चलो इसको ऑन कर देती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। इधर की लाइट ऑफ कर देती हूँ, देखो ब्लू लाइट कितनी अच्छी लगती है। गर्मी लग रही थी, सो गाइस आपसे बात करनी थी मुझे कुछ। और मेरे ब्लॉग पर व्यूज आप देखना जाके बहुत कम हो गए हैं, सो गाइस प्लीज प्लीज जो मुझे बोलते हैं ये ब्लॉगिंग क्यों करती है, वो कहेंगे लो देख लो ब्लॉग पे व्यूज भी नहीं आ रहे, तो मुझे सपोर्ट करिए प्लीज और लाइक करके जाया करो ब्लॉग देख के। तो बहुत से हैं जो मतलब लाइक नहीं करते कि देखते हैं ब्लॉग करके क्या करेगी, टाइम वेस्ट करती है ये वो, मगर लाइफ में मैं सोचती हूँ बिजी रहना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा लाइफ में बिजी रहती हूँ। मेरी डांस क्लास भी होती है 12 बजे से 1 बजे तक होती है, उसके बाद में फिर अपना आयुष वगैरह ये बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनके लिए खाना रेडी करना, शाम को फिर वही अपना रूटीन स्टार्ट हो जाता है कि शाम को क्या बनेगा क्या है। फिर अपना ब्लॉग एडिटिंग करती हूँ रात को, अपना जब भी टाइम मिलता है 9-10 बजे फ्री होती हूँ, फिर अपना ब्लॉग रेडी करती हूँ, मतलब उसमें ही 12 बज जाते हैं, 12-1-3 घंटे लगते हैं, 3.5-4 घंटे ब्लॉग एडिटिंग करने में, तो इसलिए रात को ही करती हूँ। और सुबह फिर वही जल्दी उठकर अपना वही डेली रूटीन। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सो गाइस सपोर्ट करना प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए मेरे को यही बोलना था, नहीं तो मैं देखती हूँ, सोच रही हूँ ब्लॉगिंग बंद कर दूँ। अब थोड़े बच्चे बड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, समझदार हो गए हैं थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मेरा चैनल नहीं चला तो पता नहीं, शायद बंद हो जाएगा मेरा ये वाला चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करना प्लीज़ 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 गाइस प्लीज़, आप मेरी फैमिली हो, आपसे मैं सारी बात शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को समझना सभी जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे लाइक करते हैं प्लीज़। तो चलिए फिर बात करते हैं आपसे, सो गाइस ये देखो ये है खीरा रायता और ये सब्जी आई, सब्जी लिया, सब्जी खत्म हो गई, सबने खा लिया, कुछ भी रह गया करके। देखो ट्यूशन से आके ये देखो अपने लिए चिप्स इसने खुद भूनी है, खुद अपने आप से देखो, बस इसे यही चीज चाहिए है क्या ये, और किससे खा रहा है सॉस से, वाह वाह वाह, बैग फेंक दिया यहाँ पर ठीक है, ओरिगेनो भी डाला तूने इसमें,
देखो किचन सारी फैला दी इस लड़के ने यार, देखना ये चिमनी विमनी सब कुछ यार अभी। सो गाइस देख लो ये बच्चे मुझे चैन से जीने भी नहीं देते हैं, देखो सब कुछ ये किचन 2 मिनट में फैला के चला गया। देखो आके बस उल्टा सीधा खाना खा के बस छुट्टी अपना और लग गया। देखो ये चिप्सी देखो आधे ये भून के उल्टे सीधे। सो गाइस अभी मेरे कपड़े सूखे नहीं है, थोड़े थोड़े सूख से गए हैं वैसे तो, चलो सूख गए, थोड़ी देर बाद इनको लेके जाऊंगी। और मौसम ठीक है, शाम को तो इतनी गर्म हवा नहीं चल रही, नहीं तो दोपहर में तो बहुत लू चलती है बहुत ज़्यादा। ये उम्मीद जी के सारे हैंकी देखो कितने सारे, ये देखो उनके कपड़े अलग ही धुलते हैं, टॉवल वगैरह सभी है, बेडशीट वगैरह भी मैंने आज धो दी थी, मुझे टाइम था तो मैंने कहा चलो बच्चों की छुट्टी भी है तो ये मैंने धो दी। ये देखो मैं गई थी ऊपर छत पर घूमने और गुन्नू मैड ने क्या बनाया, ये देखो वाह 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 क्या बनाया ये उन्होंने, वो देखो उधर का रास्ता। क्यों बनाया ये, बस यही चीज खाओगे? देखो खैर मम्मी नीचे मत दिखाना क्योंकि मैं लोवर पहन रहा हूँ, पहन लिया मैं ऊपर से कपड़े लेके आए को, देखो मुझे क्या करने हैं अभी, वो प्रेस के लिए ले जाने हैं उम्मीद को। इतनी मिर्च मैंने नहीं डाली, बोलो बहुत मिर्च है बहुत ज्यादा, अब आए ना तुझे लग रही, तुझे भी लग रही है पैदाइशी मिर्ची है तो हमें नहीं लगती तो हमें लगती है, कह रहा पैदाइशी मिर्ची है उन्होंने तो। चलो सो गाइस कपड़ों की तय करते हैं, वो देखो ऊपर से अभी लाई हूं बिल्कुल जस्ट, और उन्होंने ये कारनामा किया मेरे पीछे देखो, कसम से बहुत टेस्ट करती है आज के बाद मैगी बंद, गाइस देखो आइस कह रहा बहुत टेस्टी है, नहीं ये नहीं अब ऐसे नहीं, मैं सूजी का है 100% सूजी मैदा नहीं है ये। आज जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी कहेंगे मम्मी से हां जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको रिकमेंडेड करेंगे लेकिन ज्यादा मत खाइएगा बच्चे, नहीं तो सूजी का खा सकते हैं सूजी वरना आपके दस्त लग जाएंगे, कितना बच्चा नहीं है क्योंकि इसके मसाले में बहुत मिर्ची है। हाँ यार ये सीखा ये नहीं, मैंने थोड़ा सा अलग से डाला था, मतलब मैंने छोटे लगाए थे सुनाई थी तरह, ये सब इतना भाई स्पाइसी तो नहीं है। सो गाइस खाते हैं पास्ता, ये गुनू ने बनाया तो खाना पड़ेगा नहीं तो ये हमें बना देगी अच्छी तरह से पास्ता, मगर बहुत मिर्च लग रही है। सो गाइस चलिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, बाय।